का सरदार बल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान गोड़ेचा चौराहा महमदाबाद। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको हार्ट के कार्डिक सर्किट एंड कार्डिक आउटपुट के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हार्ट सर्किल है, कार्डिक सर्किल जो है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी हृदय चक्र किस प्रकार से पूरा होता है या इसको पूरा होने में कितना समय लगता है, उसके विषय में हम बताए थे। तो आज हम सेकेंड पार्ट उसी का लेकर के चल रहे हैं, जिसके विषय में आपको उनसे चर्चा करनी है। उसके लिए हमने आपसे बताया था कि एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको हृदय का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे और समझ में भी आएगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शुद्ध ब्लड किसमें हार्ट के चैम्बर में होता है और अशुद्ध ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में होता है। ये सारी जानकारियां इस फिगर से, जो ट्रिकी फिगर हमने आपको बना करके दिखाया है, ये अपना फिगर है जिसको हमने सोचा कि इस फिगर से अगर समझाया जाए तो आपकी समझ में जल्दी आ सके। ये उसी हार्ट की छाया प्रति आपको देखिए जो हमने ये फिगर आपके सामने रखा है या बनाया है बोर्ड पे। तो इसमें आप ये देखिए शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर किस चैम्बर में होता है और शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है और कितने समय के लिए ये सर्किट पूरी होती है, ये जो चक्र होता है ये कितने समय में पूरा होता है, ये सारी प्रोसेस हम आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। हृदय चक्र क्या है, ठीक है, और हृदय जो है हृदय निर्गत क्या है, यानी किस प्रकार से ब्लड इससे निर्गत होता है, बाहर पंप का जो है पंप होता है। तो आओ सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने आपको बताने के लिए इस फिगर को कलर भी कर दिया, देखिए इसमें चार चैम्बर आपके दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। हृदय में भी चार चैम्बर होते हैं, इसमें भी चार चैम्बर हमने बना दिए। ये फर्स्ट चैम्बर है जिसको राइट आर्टिकल्स कहते हैं, ये सेकेंड आपका चैम्बर है जिसको जो है लेफ्ट आर्टिकल्स कहते हैं, ये आपका थर्ड वेंट्रल्स दिया हुआ है जिसको हम आर्मी के नाम से भी कह सकते हैं या दाहिना निलय भी कह सकते हैं। साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मिक्स हम आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा समझने में, और ये आपका दिया हुआ है बायां निलय, ये आपको बायां निलय दिया हुआ है। तो देख लीजिए शुद्ध रुधिर हृदय के किस चैम्बर्स में होता है और ये शुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, इसकी जानकारी आपको देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये आपका प्योर ब्लड भरा हुआ है, ये प्योर ब्लड भरा हुआ है यानी शुद्ध रुधिर है, और शुद्ध रुधिर का जो कलर होता है वो गुलाबी रंग का होता है या लाल कह लीजिए, लाल रंग का जो है रेड ब्लड पाया जाता है जिस चैम्बर में वो ब्लड शुद्ध होता है। तो ये आपका जो बायां अलिंद दिया हुआ है, बायां आर्टिकल्स जो दिया हुआ है, इस बायां आर्टिकल्स में शुद्ध ब्लड होता है। और ये जब संकुचित होता है, हार्ट सर्किल हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस हार्ट सर्किल को समझाने के लिए हमने ये फिगर आपको बना दिया है। इस फिगर से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। पहली बात तो हार्ट के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी कि हार्ट किस प्रकार से बना होता है, कौन सी सिरा, कौन सी धमनी, कौन सी फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकल करके कहाँ को ब्लड लेके जाता है, एक भी। दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, रुधिर का प्रसंचरण, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की, उसके विषय में भी आपको इस फिगर से जानकारी मिलेगी, यानी इस एक फिगर से आपको तीन जानकारियां मिलेगी। इसलिए हमने इस फिगर को आपके सामने रखा है और कोशिश भी करेंगे कि ये फिगर आपके समझ में आएगा, बहुत
सही ढंग से। तो देखिए ये आपका जो बाएं पार्ट होता है हार्ट का, उस बाएं पार्ट में जो है शुद्ध ब्लड भरा हुआ होता है। और ये जो लेफ्ट पार्ट दिया हुआ है, ये शुद्ध ब्लड भरा हुआ है इसमें, और ये शुद्ध ब्लड जब ये वाल्व यहां से खुलते हैं, इनको वाल्व कहते हैं, ये वाल्व ये नहीं, ये वाल्व जब खुलेंगे ठीक है, इन वाल्व के खुलने से इसमें जो शुद्ध ब्लड लंग्स के द्वारा ऑक्सीकृत किया गया है, लंग्स के द्वारा ऑक्सीकृत ब्लड बाएं आर्टिकल्स में जब आता है तो ये वाल्व बंद होते हैं। और अभी आपको हम बताएंगे कि इसकी जो साइकिल होती है वो कितने समय के लिए, फिर बता दे रहे हैं फिर आपको समझा दे तब समझ में आएगा। सबसे पहले देख लीजिए जो अलिंग होते हैं, अलिंग का जो अकुंचन होता है ठीक है, जो अकुंचन अलिंग का होता है वो अकुंचन प्रकुंचन और अकुंचन दो प्रोसेस इसकी होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टोल देख लीजिए क्या है, प्रकुंचन ठीक, सिस्टोल जो होता है, सिस्टोल में आप क्या देखेंगे, सिस्टोल सिस्टोल जिसको हिंदी में प्रकुंचन कहते हैं, ये प्रकुंचन। इस सिस्टोल में हृदय क्या कार्य करता है, जो प्रकुंचन दिया हुआ है, सिस्टोल दिया हुआ है, सिस्टोल में हृदय क्या कार्य करता है, इसमें हृदय का जो आयतन होता है, ये सिस्टोल अवस्था होती है, सिस्टोल अवस्था में हृदय का जो आयतन घटता है, हृदय के चेंबर का जो आयतन घटता है, ये मान लीजिए सिस्टोल अवस्था में जब आएगा, आप वही पढ़ रहे हैं सर्किल इसकी क्या, इसका चक्र कैसे चलता है ब्लड का, तो ये जब सिस्टोल अवस्था में होता है यानी प्रकुंचन अवस्था में होता है तो इसका जो व्यास होता है, सीधे कह लीजिए आयतन जो होता है वो आयतन घटता है। जब इसका आयतन घट जाता है तो इसमें जो भरा हुआ रुधिर होता है ये जब पिचकता है इस प्रकार से, आयतन घटेगा पिचकेगा तो ये दाब डालेगा, यहां पर दाब डालता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं, जो कपाट होते हैं, कपाट का मतलब दरवाजा होता है सीधे कह लीजिए समझने के लिए, तो ये वाल्व खुल जाते हैं। जब वाल्व खुल जाते हैं तो इसमें का भरा हुआ रुधिर जो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, आपकी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी सामान्य अवस्था में आ जाता है जिसे हम शीतलन कहते हैं ठीक है, सामान्य अवस्था में आ जाता है जिसे हम अनशीतलन कहते हैं, और अनशीतलन को जो है डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब अनशीतलन अवस्था होती है, इस अवस्था में डायस्टोल का मतलब जो है प्रसारण कह लीजिए ठीक है, प्रसारण या डायस्टोल, और उसको जो है प्रकुंचन कहते हैं। तो इस अवस्था में जो डायस्टोल होता है, इस अवस्था में ये आ जाता है, पहले तो ये प्रकुंचन अवस्था में था, प्रकुंचन अवस्था के बाद जब ये पूर्व अवस्था में आ जाता है तो सारा भरा हुआ इसमें जो ब्लड होता है ये वेंट्रिकल्स में आ जाता है, यानी इस पर दाब पड़ा, सीधे समझिए दाब पड़ा, आयतन घटा, आयतन घटा तो इसमें भरा हुआ फिर जो है इस चेंबर में आ जाता है। और जब इसमें प्रकुंचन होता है, इसमें जब प्रकुंचन होता है तो इसमें भरा हुआ जो रुधिर होता है वो महाधमनी के माध्यम से, इसको जो है महाधमनी कहते हैं, ये महाधमनी है, हृदय से सारा रुधिर शुद्ध रुधिर जो होता है महाधमनी में सर्कुलेट होता है, संचरित होता है या प्रवाहित हो जाता है जब ये प्रकुंचन अवस्था में होता है। ये क्रम चलता रहता है, जो सर्किल है सर्किल चलती रहती है, जब ये प्रकुंचन अवस्था में है तो ये प्रसारण अवस्था में होगा, जब ये प्रसारण अवस्था में होगा तो ये प्रकुंचन अवस्था, पहले इसका आयतन घटा कर तो इसमें आता है, यानी इसका आयतन बढ़ा, जब इसका आयतन घटेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, ये क्रम चलता रहता है। तो इसमें सारा भरा हुआ जो ब्लड था वो महाधमनी के माध्यम से बॉडी में दे दिया है, सारे सर्कुलेट, सारे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो हमने आपको दर्शा भी दिया है कि ये मान लीजिए आधा पूरे शरीर में जब भ्रमण करता है, पूरे शरीर में ये भ्रमण कर रहा है ब्लड,
तो ब्लड जब पूरे शरीर में भ्रमण करता है तो अशुद्ध हो जाता है। अब अशुद्ध हो जाता है तो उसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के पास जाना पड़ता है। समझ रहे, ये शुद्ध ब्लड जो है यहाँ से आ रहा था, इसने सारे शरीर में भ्रमण किया, ये पूरा भ्रमण कर रहा है, पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, और ये भ्रमण करने के बाद जब आता है मतलब पूरे बॉडी में तो अशुद्ध हो जाता है। जब अशुद्ध हो जाता है तो ये अशुद्ध ब्लड आग्नेय के माध्यम से यानी महाधमनि जो होती है, ये लिखा हुआ है इसमें हिंदी में भी लिख दे रहे हैं महाधमनि, यही लिख दे रहे हैं महाशिरा, सॉरी ये महाशिरा है। महाशिरा के माध्यम से सारे शरीर में जो अशुद्ध ब्लड है, ये हार्ट की आप समझते रहिए, देखिए कहां से हम कहां पहुंच रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये अशुद्ध ब्लड हृदय से महाशिरा द्वारा जा रहा है राइट कॉर्पस में। ये धीरे धीरे पूरा ब्लड स्टेप बाय स्टेप आपका इसमें जाएगा और इसमें फिर वही प्रवस्था चालू होगी, यानी हृदय की जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट आपको समझा रहे हैं, प्रत्येक हृदय की जो हार्ट बीट होती है वो दो प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है, वो दोनों प्रवस्थाएं आपकी दी हुई, एक तो सिस्टोल दिया हुआ है और दूसरी स्टोल दिया हुआ है, ठीक, प्रकुंचन दिया है और प्रसारण दिया हुआ है, प्रसरण, ये दोनों प्रोसेस इसकी दी हुई है, ठीक है, प्रसारण दिया हुआ है, प्रकुंचन दिया हुआ है, ये हृदय स्पंदन की दो अवस्थाएं होती है। हृदय स्पंदन तो आपको पहले पता भी होगा हृदय स्पंदन किसे कहते हैं, ठीक, तो उसको खैर हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर ना मालूम तो एक मिनट में हम आपको बता भी दे रहे हैं कि हृदय में क्रमिक संचरण, हृदय के क्रमिक, हृदय में क्रमिक ढंग से होने वाले संकुचन को हम हार्ट बीट कहते हैं या हृदय धड़कन कहते हैं, एक नियमित ढंग से हम उनसे लिख भी दे रहे हैं हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है, ये हार्ट बीट क्या है भी साथ साथ समझते चलिए, ठीक है, बहुत से लोगों को हार्ट बीट नहीं पता होगी हार्ट बीट क्या है, तो हार्ट बीट में क्या होता है, इसमें एक नियमित ढंग से हृदय में होने वाले क्रमिक संकुचन को, नियमित ढंग से होने वाले क्रमिक संकुचन को हम हार्ट बीट कहते हैं या हृदय धड़कन कहते हैं, सामान्य भाषा में हृदय धड़कन कहते हैं, वो हार्ट बीट होती है तो ये एक नियमित ढंग से होती है और एक क्रमिक होती है, तो ये हार्ट बीट क्रम से होती है, देखिए क्रमिक शब्द आया हुआ है, हार्ट बीट इसीलिए हमको बताना पड़ा कि क्रम से, एक के बाद दो के बाद तीन, यानी क्रम से इसके बाद ये, इसके बाद ये, या इसके बाद ये, या इसके बाद ये, प्रोसेस आपकी चलती रहती है, अनिंदोनी है, तो ठीक, आइए अपने टॉपिक पे, हम आपको हार्ट बीट बता दिए, हार्ट बीट ये सारे शरीर में सर्कुलेट हुआ ब्लड बॉडी में गया, यहां अशुद्ध हुआ, अशुद्ध होने के लिए क्या होता है, महाशिरा के माध्यम से ये सीधे जाता है इसके पास राइट वार्टिल्स के पास, ये इसमें जाता है अलिंद में, जो दाहिने अलिंद है इस दाहिने अलिंद में जाता है, और दाहिने अलिंद में जाने के पश्चात इसमें फिर सिस्टोल प्रोसेस होती है, ये जो है ये सिस्टोल प्रोसेस होती है, ये आपका दिया हुआ सिस्टोल प्रोसेस जहां पर शुरू होती है, इस सिस्टोल प्रोसेस के द्वारा इसमें भरा हुआ रुधिर इस वाल्व पे प्रेशर है, वाल्व खुलता है पुनः अशुद्ध रुधिर यहां आया था, यहां से अशुद्ध रुधिर फिर आपका ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से, ठीक, आर्टरीज दिया हुआ, पल्मोनरी आर्टरीज दिया हुआ है, और इसमें पल्मोनरी आर्ट, ये देखिए अपवाद है, उसने भी बताए थे ये दोनों श्रेणी अपवाद रूप धारण किए हुए हैं यहाँ, क्योंकि पल्मोनरी शिरा होती है ये शुद्ध रुधिर, हम लिख दे रहे हैं कंफ्यूज ना, शुद्ध रुधिर
ये आपकी है और मैच की हुई है परमंत्री आपकी की हुई है, तो इसमें आपका होता है असल बुद्धि। असल ये जो फुफ्फुस आपकी धमनी भी है, इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी आपकी जो दी है उस आर्टरी जो दी है, इस उस आर्टरी को जो है इसमें अशुद्ध ब्लड सर्कुलेट होता है, ये फुफ्फुस धमनी है। इस फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर को दाहिने निगह से शुद्ध करने के लिए हृदय उसके लंग्स के पास ले जाते हैं। ये आपके फेफड़े नीचे हुए इसको जो है फेफड़े करते हैं, ये आपके अशुद्ध रुधिर को पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रुधिर को दाहिने निगह से शुद्ध करने के लिए ये ले जाते हैं, ये लंग्स के पास ले जाते हैं। और यहां पर जो है ऑक्सीकृत होता है ब्लड, ये जो ब्लड दिया हुआ है, लंग्स दिए हुए हैं, ये ब्लड को ऑक्सीकृत करते हैं, O2 प्रदान करते हैं। और जब ब्लड में O2 मिल जाते हैं और ऑक्सीजन का वहां पर आदान प्रदान हो जाता है, यानी CO2 और O2 का आदान प्रदान हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाते हैं और O2 ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है फेफड़ों से। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, उसको हीमोग्लोबिन अवशोषित करके सारे शरीर में सर्कुलेट कर देता है। ये प्रोसेस क्रम से चलती रहती है। इसे जो है हम कार्डिक सर्किट कहते हैं एंड आउटपुट जो है आउटपुट कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डिक आउटपुट का मतलब ये होता है कि हृदय से रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना ही आउटपुट कहलाता है। फिर से समझ लीजिएगा, कार्डिक आउटपुट क्या है। सामान्य रूप से हृदय से ब्लड का निकल करके शरीर में पहुंच, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना कार्डिक आउटपुट कहलाता है। ठीक, कार्डिक आउटपुट हो गया। यानी शरीर में जो हार्ट पाया जाए, हार्ट क्या करता है, ब्लड को निर्गत करता है। यानी हृदय के द्वारा ब्लड को निर्गत करना, यानी हृदय से बाहर ब्लड को निकालना ही आउटपुट कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है। हृदय निर्गत कहलाता है या हृदय से निर्गत कर देता है, बाहर कर देता है और वो ब्लड सारे शरीर में सर्कुलेट। अब ये देखिए जो कार्डिक सर्किल होती है, चक्र है, हृदय चक्र जो दिया हुआ है, इस हृदय चक्र का जो समय होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड समय लगता है इसमें। जो हृदय चक्र होता है नीचे लिखे दे रहे हैं, चक्र का समय 0.8 सेकेंड का। ये समय 0.8 सेकेंड में हृदय का एक चक्कर ब्लड पूरा कर, यानी हृदय एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी ब्लड प्रेषित करके पुनः ब्लड आ जाता है। यानी हृदय चक्र क्या, अगर ये भी मालूम हो, हम आपको एक लाइन में ये भी बता देते हैं, हृदय चक्र है क्या। देखिए, हृदय चक्र वो प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड अरिंदों और निलयों के अकुंचन और प्रकुंचन
के समय को अकुंचन और प्रकुंचन में लगे समय को हम हृदय चक्र कहते हैं, यानी अकुंचन और प्रकुंचन में जो समय लगता है पूरा उस लगने वाले समय को हम हृदय चक्र कहते हैं। ये अगर आप न समझ पा रहे हो तो दूसरी रूप भाषा जो है इसकी बता दे रहे हैं कि एक चक्र पूरा होने में, चाहे अलिंग का हो या निलय का हो, या सिंपल भाषा में अलिंगों व निलयों के अकुंचन व प्रकुंचन में लगे क्रमिक समय को, अकुंचन व प्रकुंचन होने में लगे क्रमिक समय को हम जो है हृदय चक्र कहते हैं। यानी क्रमिक अकुंचन और प्रकुंचन या प्रकुंचन और प्रसार, कई नामों से इसको जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना, प्रकुंचन और प्रसारण दिया। अलिंग और निलय नीचे हम समझा दे रहे हैं, अलिंग व निलय के क्रमिक संकुचन में लगे समय को हृदय चक्र, अलिंगों और निलयों के क्रमिक संकुचन में जो समय लगता है, यानी कितनी देर के लिए ये संकुचित हुआ और कितनी देर के लिए ये इसमें जो है अकुंचन हुआ, यानी प्रसारण हुआ, और कितनी देर के लिए प्रकुंचन हुआ, यानी दोनों की जो पोजीशन होती है, दोनों की पोजीशन में जो लगा समय होता है उस समय को जो है हम हृदय चक्र कहते हैं। ये हृदय चक्र की सिंपल सी परिभाषा हमने बता दिया, हृदय चक्र क्या है, अलिंग और निलय फिर से बताए गए हैं, अलिंग व निलय में होने वाले क्रमिक प्रकुंचन व प्रसारण के समय को, लगे समय को हम हृदय चक्र कहते हैं। ये टाइम आपका हमने लिख दिया है, एक हृदय चक्र का जो टाइम होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का समय इसमें लगता है। और एक चीज हम आपको बताते चल रहे हैं कि इसमें जो अलिंग होते हैं अलिंगों का समय कितना होता है, जो अलिंग होते हैं अलिंगों में का जो प्रसारण और अनुसंचलन जो होता है क्रम से होगा, तो इसमें जो प्रकुंचन होता है लगा जो समय होता है वो 0.1 सेकेंड से 0.7 सेकेंड, ये टाइम होता है अलिंग का। यानी जो अलिंग होते हैं अलिंगों में अकुंचन या शिथिलन या प्रकुंचन व प्रसारण का जो समय होता है अलिंगों का वो 0.1 सेकेंड से 0.7 सेकेंड, और जो निलय होते हैं दोनों चीजें हम बता दे रहे हैं, निलयों का प्रकुंचन व लगा समय
0.3 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड, ये पोजिशन है। यानी अनिंद्रियों का जो प्रकुंचन व अपसारण होता है या अकुंचन या जो शिथिलन होता है, अकुंचन कहिए या शिथिलन कहिए, ये अनिंद्रियों का टाइम है। और जो निलय होते हैं, निलय के प्रकुंचन का जो समय होता है वो 0.3 सेकेंड होता है, और उसका जो प्रसारण होता है, सीधे कह लीजिए शिथिलन होता है, वो 0.5 सेकेंड का समय है। यानी 0.5 आप समझ लीजिए, एक मिनट हम समझा दें, 0.1 सेकेंड समय लेगा। ये जो मान लीजिए आपका अलिंद दिया हुआ है, मेंटस आर्टिकल जो दिया हुआ है, इसमें 0.1 सेकेंड का समय जो होता है उसके लिए क्या होता है, प्रकुंचन अवस्था में आता है। और प्रकुंचन अवस्था में जब आता है तो इसमें भरा हुआ जो रुधिर होता है वो निलय में सर्कुलेट होता है, निलय में चला जाता है। इस प्रकार से अलिंदों व निलयों के प्रकुंचन व प्रसारण के विषय में भी हमने आपको बता दिया, किस धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, किस सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, वो कौन सी फुफ्फुस धमनी है, वो कौन सी फुफ्फुस सिरा है जो अपवादित होती हैं या कंफ्यूज करने का कार्य करती हैं, वो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं यानी सिरा होती है, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर सर्कुलेट होता है, ये ध्यान से सुन लीजिए। यह सिरा हृदय लंग्स से यानी फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य करती है, बस इसका और कोई कार्य नहीं होता है। ये फेफड़ों में शुद्धिकृत किया हुआ ब्लड ला करके हृदय के बाएं अलिंद, सॉरी हाँ बाएं अलिंद में डाल देती है बस। और जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कहेंगे, पल्मोनरी धमनी सिर्फ दाहिने निलय से, जो दाएं निलय होता है उस दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को ले जाकर के फेफड़ों में छोड़ देती बस। यानी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा इन दोनों का संबंध लंग्स से होता है, इतना ध्यान रखिए बस। जो लाती है लंग्स तक अशुद्ध ब्लड को वो फुफ्फुस धमनी होती है, और जो लंग्स से शुद्धिकृत किए गए ब्लड को पुनः हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आर्टिकल्स में डालती है, वो आपकी पल्मोनरी वेन होती है, समझ गए। और इसके लिए हम चाहेंगे इसमें अगर आपको कहीं भी कोई जो है टूट भी नहीं रही होगी, क्योंकि हमने हार्ट की छायाकृत दूसरी बना लिया, इसमें चार चेंबर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। और कंफ्यूजन तो इन दो बातों का से आप लोगों को होता होगा कि पहले तो ये बताया गया था कि धमनी में शुद्ध ब्लड सर्कुलेट होता है और जो सिरा होती है वेन होती है उसमें अशुद्ध सर्कुलेट होता है, लेकिन सिर्फ जिन दो नलिकाओं का संबंध लंग्स से होता है वहां पर यह अपवाद से शुरू होता है, वो भी हम आपको बता दिए और आप समझ भी गए होंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने लिख भी दिया है। और आपसे हमने ये बात कही भी थी कि अगले टर्न पर हम आपको हृदय की आउटलाइंस अपने द्वारा जो बनाए गए हैं वो प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से तीन चीजें आपकी स्टार्ट होंगी, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हृदय की संरचना, और तीसरा आपका था हृदय चक्र। तीनों चीजें हमने इसी एक ही फिगर में तीनों चीजें समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, धन्यवाद। और अगले टर्न पर हम आपको प्लांट से प्रोटेक्शन के विषय में बताएंगे, पौधों में जो प्रजनन प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, और आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आप बनाते रहिए। कारण है जब आप नोट्स बनाएंगे
तो आप अपने माइंड से बनाएंगे, सुनेंगे, इसके बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको याद जल्दी होगा। जैसे हमने आपको हृदय चक्र भी बता दिया, हृदय चक्र में लगने वाले समय की भी चर्चा की हमने, कितना समय लगता है, हृदय चक्र किसे कहते हैं, आउटपुट भी बता दिया, आउटपुट भी बता दिया, आउटपुट क्या है, चक्र क्या है, हार्ट बीट भी क्या है, कई चीजें हमने आपको बता दी है। और इनके जब आप नोट्स बना लेंगे तो पूर्णतया आप इनसे भलीभांति परिचित हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।